इंदौर शहर की क्राइम ब्रांच को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश दूसरे राज्य से यहां हथियार खरीदने आए हैं। बुरहानपुर से हथियार खरीद कर इंदौर से गुजरने वाले पुलिस ने सूचना मिलते ही घेराबंदी कर 5 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। बदमाशों से प्रारंभिक पूछताछ में अब जानकारी सामने आई कि 5 में से 2 बदमाश पंजाब राज्य के वॉन्टेड अपराधी हैं, जो कई दिनों से फरार चल रहे थे। पंजाब पुलिस कुछ दिनों में इन दोनों अपराधियों को प्रोडक्शन वारंट पर यहां लेकर आया जाएगी। क्राइम ब्रांच ADCP राजेश दंडोतिया के अनुसार उनकी टीम ने 2 दिन पर पंजाब के 5 गैंगस्टर को 12 वैध पिस्तल और 5 जिंदा कारतूस राउंड सहित गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 5 बदमाश पंजाब के एक गैंग से ताल्लुक रखते हैं, जिसका नाम शिशु गैंग है। शिशु गैंग का पंजाब के स्थानीय शेरा गैंग से पुरानी रंजिश चल रही थी। शिशु गैंग की एक महिला भी पिछले दिनों एक गैंगवार में गोली लगने से मौत हो चुकी थी। वहीं शिशु गैंग के अन्य सदस्यों को अपनी भी जान का खतरा महसूस हो रहा था। इसी के चलते वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हथियारों को खरीदने आए थे। शिशु गैंग ने बुरहानपुर से हथियार खरीदने के बाद जैसे ही इंदौर की शहरी सीमा में प्रवेश किया, वैसे ही इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच टीम को यह जानकारी भी हासिल हुई है कि गुरमेल सिंह और शिशु सिंह पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले के कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन के 307 धारा हत्या व प्रयास के वांटेड अपराधी हैं, जिनकी पंजाब पुलिस तलाश कर रही है। इस बात की पुष्टि कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन के SHO के ने इंदौर क्राइम ब्रांच के ADCP राजेश दंडोटिया से की है। हालांकि क्राइम ब्रांच टीम ने सभी 5 बदमाशों को कोर्ट समक्ष पेश कर 1 दिन की रिमांड हासिल की है। वहीं 2 दिन बाद पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर शिशु सिंह और गुरमेल सिंह को अपने साथ पंजाब ले जाएगी। जो कि इनोवा गाड़ी में थे वो एक गाड़ी जो लेकर आए थे, उस पर गाड़ी पर कुछ लिखा हुआ था जिससे कि पुलिस उनको ना पकड़े। तो इस पर से क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर तेजाई नगर के पास एक इनोवा गाड़ी को घेर कर और उसकी जब तलाशी ली गई तो वहाँ 5 व्यक्ति थे और उनको उनके कब्जे से 12 पिस्टल मिली हैं, जिसमें 32 बोर और 30 बोर की पिस्टल थी, और 5 जिंदा राउंड मिले हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच थाने में लिया गया है। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो इनमें पाया गया कि फिरोजपुर का कपूरथला और जालंधर के रहने वाले हैं। फिरोजपुर से जब संपर्क किया गया, इनके द्वारा ये कहानी बताई गई थी कि एक गैंग से इनका विवाद चल रहा है और चूंकि एक व्यक्ति को इन्होंने बचाया था और जिसमें 307 कायम हुआ था, तो उनके द्वारा धमकी दी गई थी कि तुमने क्यों बचाया है, तो मेरी जो पत्नी को भी इनके द्वारा गोली मारी गई थी, जिसमें IPC सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर्ड, जान से मारने का प्रयास का केस भी रजिस्टर्ड फिरोजपुर जिले में पंजीबद्ध है। और उसके अलावा फिर राजीनामा के लिए भी उनके द्वारा प्रयास किए गए, जो दूसरी गैंग थी। और मेरे जो भाई है, चाचा का लड़का है, जब वो गवाही देने जा रहा था तब उसकी भी हत्या कर दी थी लगभग 20 से 25 दिन पहले। ये इस तरह की इनके द्वारा बात बताई गई है। फिरोजपुर पुलिस से अभी संपर्क किया गया है और इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इसमें ये बात सामने आई है, ये जो इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है जगशीर, वो एक शिशु गैंग चलाता है, ये खुद गैंग का सरगना है और शिशु गैंग के नाम से, इसका नाम शिशु भी है उर्फ शिशु गैंग के नाम से, ये पूरा शिशु के नाम से एक पूरी गैंग चलाता है, जिसमें लगभग 1 दर्जन व्यक्ति है, लड़के शामिल हैं इसमें। और इसमें जो 5 पकड़े गए हैं, इनमें 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें खुद जो शिशु गैंग का मुख्य सरगना है जगशीर के खिलाफ भी 9 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें कि 4 307 के अपराध पंजीबद्ध हैं जान से मारने के प्रयास के। और जो दूसरे जो गैंग से जिनसे इनका जो झगड़ा चल रहा है वो शेरा गैंग है, तो उसमें इनके बीच में गैंग वॉर चल रही है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। फिलहाल आपराधिक रिकॉर्ड लिया गया है इनका। अब ये क्या 20 दिन पहले क्या भतीजे का, इसके जो भाई का मर्डर हुआ है, और क्या ये, चूंकि ये 9 अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध है, एक अन्य आरोपी के खिलाफ 4 अपराध पंजीबद्ध है, पूर्व में भी इनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया पूर्व में भी एक आर्म्स के साथ ये लोग लगभग 5 वेपन्स फिरोजपुर पुलिस पंजाब पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे, उसमें भी ये जगशीर था। तो इसमें अब और भी पूछताछ की जा रही है, और भी जो अपराध इनके खिलाफ पंजीबद्ध हैं, कहीं उनमें ये वांटेड तो नहीं है। इस संबंध में